में कश्मीर और अफगानिस्तान में घटी जिहादी आतंकवाद की घटनाओं के बाद बांग्लादेश के जिहादी भी अपनी करतूत दिखाने लगे। दुर्गा अष्टमी से एक अफवाह का बहाना बनाकर बांग्लादेश के जिहादियों ने वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तोड़फोड़ करके आग के हवाले करना शुरू कर दिया और हिंदू बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने लगे और अब भी यह कुकृत्य जारी है। इस घिनौने कुकृत्य के विरुद्ध आज सुबह 11 बजे हिप की नगर इकाई ने नगर अध्यक्ष जसबीर सिंह, नामधारी नगर मंत्री गौरव शर्मा और नगर संयोजक संदीप शर्मा के नेतृत्व में शहर के सुभाष चौक में बांग्लादेश की सरकार और वहां के जिहादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। जो देश में धर्मांतरण हो रहा है, मतलब जिहाद हो रहा है, उसके खिलाफ इस हिंदू परिषद मजबूती के साथ अपने हिंदू भाई बहनों के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। किसी हद तक भी अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हम सरकार को भी चेताना चाहते हैं और पाकिस्तान और आतंकवाद को भी चेताना चाहते हैं कि इसको रोका जाए और इसको बंद किया जाए। सर, एक्चुअली बार बार होता है कि राजनेताओं की तरफ से भी धर्म को लेकर अलग अलग धर्मों के लोगों को बांटने की कोशिश। हमारे राजनेता जो ये हैं, ये सेकुलरिज्म का जो मुखौटा पहने हुए हैं, ये लोग वोटों की राजनीति के लिए इस तरह के बेबुनियाद बयान देते हैं, जबकि धरातल पर एक साजिश के तहत धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है और हमारे जो ये नेता जो बैठे हैं, हमारे जो सेकुलरिज्म का मुखौटा पहने बैठे हैं, ये लोग सिर्फ वोटों के लिए कि इनको मुसलमानों की वोटों के लिए ये लोग ये राजनीति कर रहे हैं, जो कभी किसी को बदनाम करते हैं, कभी विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करते हैं, कभी RSS को बदनाम करते हैं, जबकि ये दोनों ही संगठन इन जिहादियों के खिलाफ, इनके खिलाफ हम मजबूती से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हिंदू पे जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में हो रहा है, चाहे कश्मीर में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है, तो बजरंग दल हम चाहते हैं शांति से मामला निपट जाए, नहीं तो हमारे को अगर बराबर प्रतिकार कर देना पड़ेगा तो हम भी अपने आप प्रतिकार दिखाएंगे। वो किसी रूप में भी हो सकता है, जहाँ मर्जी हो, सिरसा में हो या कहीं और हो, और यही धर्मांतरण मारो कर जाते हैं। थेड़ मोहल्ले में मिसरियाँ धर्मांतरण कर रही हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं वो, और गरीब परिवारों को लालच दिया जा रहा है 10-10, 20-20 हज़ार ईसाई बनने के लिए। तो हम तो चेतावनी दे रहे हैं जी उनको,